हम लोग देखे तो कार्ड में जो सिग्नल कैरियर कैरियर सिग्नल का जनरेशन था दैट इज द SSC 1 SSC कार्ड का काम था। तो इस सिग्नल कैरियर बोलते किसको है, तो आपका जो TX और RX है सिग्नल कैरियर, TX RX को जो 21 किलो हर्ट्ज और 23 किलो हर्ट्ज चाहिए, दिस इज जनरेटेड बाय SSC 1 एंड SSC 2 कार्ड। यही सिग्नल कैरियर है, वो उसको जनरेट करता है, TX को देता है, देन RX से लेके जो हमारा उसको क्या बोलते हैं पल्स जनरेशन, डिमोड्यूलेट करके उसका पल्स जनरेट करता है। तो डिमोड्यूलेट करके जो पल्स जनरेट करेगा तो इसमें कौन सा कार्ड क्या करेगा, तो SSC 1 और SSC 2 तुम्हारे पास दो कार्ड है, तो SSC 1 कार्ड जो है 21 किलो हर्ट्ज जनरेट करता है और SSC 2 कार्ड जो है 23 किलो हर्ट्ज जनरेट करता है। सेम जब पल्स मॉड्यूलेशन होगा तो इसमें भी SSC 1 कार्ड 21 किलो हर्ट्ज को डिमोड्यूलेट करेगा और SSC 2 कार्ड 23 किलो हर्ट्ज को भी डिमोड्यूलेट करेगा। तो ये हमारा पल्स जनरेशन और डिमोड्यूलेशन SSC 1 SSC 2 कार्ड का काम है और ये दो अलग अलग काम है। अभी एक बात और उठता है कि आखिर हम दो यूज करते कहाँ हैं, SSC 1 SSC 2 सॉरी ये आपका TX1 TX2 उधर भी RX1 RX2, जरूरत क्या है, जरूरत है आगे उसका भी डिटेल करें। इसके बाद जो आता है इवेंट लॉगर कार्ड, इवेंट लॉगर कार्ड इवेंट लॉग के साथ साथ और क्या क्या करता है, तो सबसे पहला इवेंट लॉगर कार्ड को जो है जितना भी सिग्नल पल्स है इसको लॉग करता है, आपका जितना भी कार्ड है वो आपस में बात करता है, दिस इज द पल्स जनरेशन कि वो कितना पल्स जनरेट कर रहा है। तो इवेंट लॉगर कार्ड पल्स जनरेशन यानी सिग्नल को उसके जितना भी पल्स जनरेट हुआ उसके सिग्नल्स को मॉनिटरिंग करता है। अच्छा, जितना सुपरवाइजरी सिग्नल्स नॉट ओनली फिजिकल वे में, नौकरी में सुपरवाइजर है कि हम काम कर रहे हैं वो देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी सेम वर्क है। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो फंक्शन करता है कि 10 उसका ट्रांजिस्टर डायोड ऐसा फंक्शन कर रहा है, उसमें से कुछ ऐसे सिस्टम है जो सिर्फ इसको सुपरवाइज करता है, हर वक्त मॉनिटर करता है कि उसमें जितने सिस्टम लगे उसका फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं। तो वो सुपरवाइजरी सिस्टम को जो है ये हमारा इवेंट लॉगर कार्ड मॉनिटर करता है, और वो सुपरवाइजरी सिस्टम जैसे ही मॉनिटर कर लेगा कि इसका एक डायोड का फंक्शन खराब हो गया, ऑटोमेटिक रेड सिग्नल दे देगा कि ये कार्ड जो है डिफेक्टिव हो गया। वो सुपरवाइजरी सिस्टम काम करता है, डायोड का अभी जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है यही एक सुपरवाइजरी सिस्टम उसका सॉफ्टवेयर वर्क करता है जो ये बता पाता है कि आपका सिस्टम खराब होने के परिस्थिति में पहुंच गया या खराब होने वाला है, उसका लेवल बांट देता है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कि क्रिटिकल फेल्योर है, मिडिल फेल्योर है, कम फेल्योर है, उसके लिए सुपरवाइजरी सिग्नल्स का यूज होता है। तो ये सुपरवाइजरी सिग्नल्स का भी मॉनिटरिंग आप इवेंट लॉगर कार्ड में इसका भी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। तीसरा चीज़ MLB 1 MLB 2 दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, आपका MLB 1 MLB 2 दोनों का वर्किंग सेम है, एक सीरियल पोर्ट से दोनों जुड़ा हुआ है। तो MLB 1 MLB 2 का सीरियल पाथ का भी जो वर्किंग है उसका भी मॉनिटरिंग आपका इवेंट लॉगर कार्ड करता है, MLB 1 एंड MLB 2 ये दोनों का मॉनिटरिंग भी आपका उसकी ये जो है इवेंट लॉगर कार्ड के थ्रू होता है। उसके बाद जितना टाइप का कम्युनिकेशन फेल्योर है वो भी इवेंट लॉगर कार्ड डिटेक्ट करता है, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फेल्योर। अभी हम लोग फेल्योर में चलेंगे, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पहुँच जाएंगे कि अभी मान लिया जाए संथालडी में कुछ फेल्योर होता है, आपका सिस्टम संथालडी का काम नहीं कर रहा है, भोजुडी का ट्रैक डिवाइस देख के आप बता दीजिएगा कि सर फेल्योर संथालडी के साइड का है, तो वो कौन बताता है, वो यही आपका जो इवेंट लॉगर कार्ड है, ये जब कम्युनिकेशन मॉडम के बीच का हो रहा है दोनों सिस्टम में तो इवेंट लॉगर कार्ड डिटेक्ट करता है कि हमारा सिस्टम का कम्युनिकेशन गड़बड़ है या अगला सिस्टम से डाटा आ रहा है वो गड़बड़ है, तो उसको लेके ये कम्युनिकेशन फेल्योर जनरेट करता है। ये आपका सेल में है, यही अगर आप दूसरा कंपनी जैसे मेधा वगैरह में जाएंगे तो वो अगला यूनिट का जनरेशन में क्या फेल्योर है उसको भी डिटेक्ट करके यहां दिखा देता है, नॉट ओनली कि अगला फेल्योर है वहां क्या फेल्योर है उसका भी इवेंट लॉग करके यहां पे आपको बता देगा और इनहेंस वर्शन आ जाता है। तो इसमें ओनली आपको यह बताएगा कि अदर सिस्टम आपका गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग कोई इंस्टॉलेशन हम लोग के सामने हो कि जब हम लोग इंस्टॉलेशन कराएं
कि सेल ठीक है, थोड़ा मॉनिटरिंग कर लीजिए, ये सेल वाला होना है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका दोनों यूनिट में जैसे संथालडी और भोजोडी, आप फोटो फिगर भी देख रहे होंगे, उस फिगर के हिसाब में भी वो चीज़ हम क्लियर कर दिए हैं कि आपका जो दोनों यूनिट लगेगा जिस रेल में, अब यहाँ पे रेल है ना, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड मान लिया जाए, तो ये लेफ्ट रेल है और ये राइट रेल है, इधर मूव करें तो राइट रेल में अगर हमारा यहाँ पे ट्रैक डिवाइस लगा है तो संथालडी में भी जाके वो राइट हैंड में ही लगाना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये प्रैक्टिकल हमको जानना है। क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न है कि व्हील आयरन का है, लोहा का, पटरी अलग है, दोनों का वियर एंड टीयर सेम होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब ज़रूरी नहीं है तो जब गाड़ी यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड का राइट साइड का व्हील को डिटेक्ट किया, 156 व्हील लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट में लगा है, तो क्या है कि लेफ्ट साइड का एक व्हील उसका मे बी डिफेक्ट था, यानी उससे ज़्यादा घिस गया था, या रेल वहाँ पे बर आ गया बहुत अधिक, तो उसका एक डिटेक्ट नहीं किया, यहाँ 156 डिटेक्ट हुआ, यहाँ राइट लेफ्ट साइड का 155 हुआ, अब क्या होगा कि आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, काउंटर मिसमैच हो जाएगा। और अगर उसी साइड पर रहता तो क्या होता है, यहाँ भी 155 डिटेक्ट होता, वहाँ भी 155 डिटेक्ट होता, 56 आता ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर सिस्टम को हेल्दी रखना है, फेल्योर फ्री रखना है, तो आपका एसएस डेक का यूनिट का जो ट्रैक डिवाइस है वो सेम रेल में दोनों साइड में लगाना है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। दूसरा, आपका ट्रैक डिवाइस इंस्टॉलेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट इज द जो सिस्टम है वो तो बता दिए क्या क्या सिस्टम है, तो जान लिए। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट है कि पावर केबल सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, पावर केबल, यानी आप जो 24 वोल्ट इनपुट ले जाएंगे फॉर 24 वोल्ट इनपुट, तो इसको ले जाएंगे, इसके लिए अभी के सिस्टम के हिसाब से हम सेपरेट पावर केबल में लेके जाते हैं, दैट इज द 1x2 कोर 25 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम और 10 स्क्वायर mm कॉपर केबल, ये दोनों में कोई भी हम लेके जा सकते हैं, ये फर्स्ट थिंग्स है। दूसरा थिंग्स है कि और क्या आपको केबल चाहिए, और आपको 12 कोर का एक केबल चाहिए उसका रिसेट सर्किट एंड VR PR का सर्किट के लिए, 1x12 कोर केबल फॉर सिग्नलिंग सर्किट। अगेन थर्ड केबल क्या चाहिए, आपको कम्युनिकेशन कराना है, रिसेट बॉक्स के साथ मॉडम का कम्युनिकेशन है और मॉडम टू मॉडम कम्युनिकेशन है, 6 क्वाड केबल, 1 पेयर या हाफ क्वाड फॉर कम्युनिकेशन, ये तीन चीज का रिक्वायरमेंट है आपको कहीं भी एस एस डेक को सेट आपका अगर इंस्टॉलेशन स्टार्टिंग में करवा रहे हैं तो। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है जिसके साथ सिग्नल और पीवे वाले का बराबर झगड़ा चलते रहता है, हम पूछेंगे लाल हो गया, अगला तुरंत फ़ोन करेगा आप ट्रॉली लेके गए थे क्या, मटेरियल लाए थे उस रेल में क्या, फेल हो गया। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज़ द ट्रॉली सेपरेशन, ट्रॉली सेपरेशन। तो आप पहले तो यहाँ एक्सल काउंटर था नहीं, अगर पहले देखे होंगे सेक्शन में एक्सल काउंटर जो भी नगर नज़र पड़ा होगा, तो पहले जहाँ भी एनालॉग एक्सल काउंटर हम लोग लगाते थे वहाँ पे PWI का ट्रॉली डिटेक्ट ना करे उसके लिए सेपरेट एक छोटा सा ट्रैक सर्किट बनाना पड़ता था, दैट इज़ द ट्रॉली सेपरेशन सर्किट। इसमें जब से फेज मॉड्यूलेशन आ गया, हमारा जो डिजिटल आ गया, तो डिजिटल का सबसे बड़ी खासियत है कि ये ट्रॉली सेपरेशन सर्किट का इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसमें इनबिल्ट है, ये ट्रॉली प्रोटेक्शन की इसको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, ट्रॉली प्रोटेक्शन ये कैसे कैसे क्या क्या करता है, तो ट्रॉली हमारे पास दो टाइप का होता है। सबसे पहले ट्रॉली के बारे में जान लें, हमारे पास दो टाइप का ट्रॉली होता है, एक पुश ट्रॉली, पुश ट्रॉली भी दो टाइप का होता है, 4 स्पोक और दूसरा 8 स्पोक, ये हमारा पुश ट्रॉली होता है। तीसरा जो PWI यूज करते हैं दिस इज द मोटर ट्रॉली, इसके बाद PWI यूज करता है उसको बोलते हैं डीप लॉरी, इनको पता होगा डीप लॉरी।
और एक और यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेल डॉली, रेल डॉली। ये चार चीज पीवे यूज करता है। तो ये चार चीज पीवे यूज करता है, उसमें आरडीएसओ ने जिस तरह से बताया कि कौन सा को डिटेक्ट करना है कौन सा नहीं करना है हमको उसका सेटिंग करके दीजिए। देन आपका जो फोर स्पोक और एट स्पोक का ट्रॉली है, ये ट्रॉली सेपरेशन में डाल दिया गया कि इसको डिटेक्ट नहीं करेगा, नॉट डिटेक्ट, नॉट डिटेक्ट बाय SSDEC। यानी अगर आपके SSDEC के ऊपर से पुश ट्रॉली एट स्पोक व फोर स्पोक का चला जाता है तो एक्सल काउंटर लाल नहीं होगा, एंड रेल डॉली भी लेके चला जाता है देन एक्सल काउंटर लाल नहीं होगा। अब बात आ गई किस पे होगा, अगर मोटर ट्रॉली लेके जाता है या डीप लॉरी लेके जाता है, ये दोनों कंडीशन में एक्सल काउंटर रेड रहेगा। डीप लॉरी यूज करते हैं लोग उसी के लिए जहां हैवी मटेरियल लेके जाना है, और जो मोटर ट्रॉली है उसका स्पीड जस्ट लाइक ए छोटा मोटा ट्रेन इंजन ही वो होता है, इसलिए उसको भी कहीं पर भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लाइन क्लियर लेके ही भेजा जाता है, क्योंकि वो फिर इतनी स्पीड में रहता है कि आप इमरजेंसी में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो ये दोनों को एक्सल काउंटर डिटेक्ट नहीं करता है एज पर सेफ्टी, और ये तीनों सॉरी ये दोनों को एक्सल काउंटर डिटेक्ट कर लेता है, आपका एक्सल काउंटर लाल हो जाएगा। और रेल डॉली रेल डॉली में अगर कभी कभी हम लोग का लाल होता है देन रेल डॉली का वो शिकायत नहीं है, लोग जो रेल लेके जाते हैं ना वो रेल हम लोग का फ्लक्स को काट देता है, ठीक है, जबकि रेल डॉली से वो फ्लक्स कटेगा नहीं। तो हमारा फोर स्पोक एट स्पोक रेल मोटर ट्रॉली डीप लॉरी रेल डॉली इतना सारा यूज में, हमारा फोर स्पोक एट स्पोक और रेल डॉली मैनुअल ऑपरेशन है और लाइट वेट ऑपरेशन है। देन इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी ऑपरेटिंग स्टाफ जो यूज कर रहा है इंजीनियरिंग स्टाफ वो इमीडिएट में अपना एक्शन ले सकता है, ट्रैक खाली कर सकता है। सो इसके लिए डिटेक्शन की जरूरत नहीं महसूस हुई, और ये दोनों को इमरजेंसी में कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, सेक्शन क्लियर नहीं किया जा सकता है, देन ये दोनों के लिए हम एक्सल काउंटर में सिस्टम बनाए हैं कि वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। नाउ ये सिस्टम कैसे अचीव किया, ये आपका तो फ्लक्स मोड काटता ना, ये फेज मॉड्यूलेशन है कि TX ने आप कुछ इनपुट दिए, इससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, ये फ्रीक्वेंसी को रिसीवर कैच करता है और ये कंटिन्यूअस होते रहता है, कंटिन्यूअस होते रहता है। तो जैसे ही यहां पे कोई व्हील आएगा तो क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब मोड जाएगा और रिसीवर को फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं हो पाएगा। जैसे मान लिया जाए आपके मोबाइल में टावर नहीं है, अगला स्टाफ आपको फोन लगा रहा होता क्या है, उसका तो टावर है वो फोन लगा रहा है लेकिन आपका जो मोबाइल है उसमें रिसीवर का कैपेसिटी मतलब उसका डिस्टर्ब हो जा रहा है ड्यू टू नॉट टावर, फ्रीक्वेंसी वहां तक पहुंच नहीं हो रहा, आपको रिंग हो नहीं रहा है। सेम फंक्शन यहां होता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर ट्रांस तो हो रहा है, ये 21 किलो हर्ट्ज का ही है या फिर 23 किलो हर्ट्ज का, ये ट्रांस तो हो रहा है लेकिन इसके ऊपर एक व्हील आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और उस लोहा को पार करके नहीं जा पा रहा है। तो नहीं जा पा रहा है तो क्या होगा कि ये डिटेक्ट नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपका जो कार्ड है माइक्रो कंट्रोलर MLB कार्ड वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और उस ऑब्स्ट्रक्शन से अकुपाइड शो कर देगा, आपके रिले ड्राइव को बोलेगा तुम ड्रॉप कर जाओ क्योंकि यहाँ पे कुछ अकुपेशन है। वही तो डिटेक्शन है ना, इसका सिस्टम ही नाम ही है ट्रेन डिटेक्शन कि ट्रैक के ऊपर कुछ है क्या। और एट स्पोक और फोर स्पोक में क्या होता है कि आप एट स्पोक फोर स्पोक स्पोक मतलब क्या होता है, जिसमें से साइकिल जैसे कि अलॉय व्हील स्पोक अलॉय व्हील बोलते हैं, ये चक्का है यहाँ पे एक है यहाँ से चार मान लो निकला हुआ है, दैट इज द फोर स्पोक, एट स्पोक में आठ निकला रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो अभी क्या होगा, अगर आपका ये चक्का इस जगह पे खड़ा हो तो इसके बीच में तो छेद है ना, वो उसको पार कर जाएगा और रिसीवर को दे देगा। नाउ अभी बोलोगे सर रेल डॉली में तो स्पोक नहीं है, रेल डॉली में तो स्पोक नहीं है, अब क्या होगा, अभी आप लोग को बताए थे थोड़ा देर पहले ही कि हमारा सिस्टम को उस हिसाब से डिजाइन किया है कि जिस व्हील का रेडियस 20 सेंटीमीटर है यानी डाया सॉरी 400 mm यानी 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है या उससे अधिक है उसी में वो फ्लेंज कटेगा, नहीं तो क्या होगा, छोटा है तो अभी एक छोटा बॉल है ना यहाँ पे मारे उछल के वहां चला गया। सेम चीज है कि आपका जो ये TX है
और ये आर एक्स है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे ऐसे पार हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी वेव है, इसका वेव का पाथ ऐसे है, ठीक है, वेव का पाथ ऐसे है। तो इस वेव का पाथ में क्या है कि जब तक इसको भी नहीं आप ऑब्स्ट्रक्ट करिएगा कुछ रख के इतना बड़ा, तब तक ये कैसे रुकेगा, थोड़ा कम पहुंचेगा, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट होगा, पहुंच जाएगा। तो इसमें देखा गया जैसे वो हमको रेंज दिया है 20 सेंटीमीटर का, तो मान लीजिए 15-16 क्योंकि तो सेफ रेंज देगा ना, 10 सेंटीमीटर के रेंज का उसको डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन आपका जो रेल डॉली का व्हील होता है वो छोटा सा व्हील होता है, उसका रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर या 7-8 सेंटीमीटर मुश्किल से। तो क्या है कि उसके ऊपर से पहुंच जाता है, आपका रेल डॉली इसके ऊपर है, यहाँ से ऊपर से क्रम, यहाँ से फ्रीक्वेंसी जा रहा है, रेल डॉली तो यहाँ पे है ऐसे इतना बड़ा, इसके ऊपर से जाके रिसीवर को मिल जा रहा है, तो क्या होगा कि वो उसको डिटेक्ट नहीं करता है। इसीलिए रेंज बना दिया कि 40 वो सेटिंग होता है आपका, जैसे अगर एल्डाइन में आप जाएंगे तो उसमें एक सेटिंग है पेग्यू और मेशाब, उससे सेटिंग हो जाता है, जो हम लोग ये करते हैं ना डमी व्हील लगा के चेक, उसी में से चेक हो जाता है कि कितना वोल्टेज हमारा वो डिटेक्शन कर रहा है डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सिस्टम है हमारा ट्रॉली सेपरेशन का। और ट्रॉली सेपरेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रीसेट सर्किट, हमको सब हमारे सारे स्टाफ को ये मालूम होना चाहिए, कोई सर्किट नहीं है, सिंपल सा ऑपरेशन है। बहुत बार खबर आ जाती है कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं पता है, तो आज हम सबको बता रहे, इतना को तो पता ही होना चाहिए, आगे भी फिर बताएंगे। रीसेट सर्किट यानी रीसेटिंग ऑफ द रिसेटिंग कैसे करते हैं। रिसेटिंग करने का सिंपल सा फंडा है कि आपका एक रिसेट बॉक्स होता है, यहाँ पे एक चाबी होता है की, यहाँ पे बगल में एक डिस्प्ले है जिसमें नंबर काउंटिंग होता है, यहाँ एक बटन है रेड कलर का, ठीक है, और बाकी क्या है बाकी आप भुला जाइए, बाकी का ज़रूरत नहीं है आपके लिए। यहाँ एक चाबी है, यहाँ एक काउंटर है, यहाँ एक रिसेट बटन है, और अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये चाबी यहाँ नहीं, तो यहाँ अगर लीजिए तो यहाँ पे एक इंडिकेशन भी रहता है, जब ये लिखा रहेगा प्रीपरेटरी रिसेट, ग्रीन कलर का इंडिकेशन रहता है, ठीक है। बाकी इसमें और रहते हैं ऑक्यूपाइड इंडिकेशन, रेड इंडिकेशन, ग्रीन इंडिकेशन, येलो इंडिकेशन, जो भी है। तो रिसेट करने का जो मेन फंडा है, ये सिस्टम को आपको जान लेना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले स्टेशन मास्टर को ये चीज़ बताना है कि कोई भी सिस्टम को ऑपरेट करने के पहले आपका जो नियम बोलता है, आपका जो SWR बोलता है, उसको पहले जानना है। तो बिफोर रिसेटिंग द सिस्टम प्लीज़ फॉलो द SWR। SWR बहुत जगह बोलता है रिसेट करना है नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेशन, तो SWR के हिसाब से ही स्टेशन मास्टर को काम करना है। तो सबसे पहला काम है कि अकॉर्डिंग टू SWR, जैसा SWR आपको बोल रहा है फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब रिसेटिंग जब करेंगे उसमें हमारा फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर जो चाबी है ये चाबी नॉर्मली स्टेशन मास्टर के ड्रॉअर में कस्टडी में रहना चाहिए या रहता है। तो जैसे ही रिसेट करना है फर्स्ट की इंसर्ट करेगा SM की, ऐसे रिसेट बॉक्स का की में सबसे पहला क्या करेगा, इंसर्ट SM की टर्न किधर घुमाएगा गांगुली, दायां या बायां, चाबी लगा के किधर घुमाएगा, दायां, कोई भी ताला प्रेस नहीं देना है अभी लॉक कर, अभी अनलॉक करना है, वो बाद की बात है। पहला प्रोसेस इंसर्ट SM की टर्न राइट, ठीक है। सबसे पहला क्या किया, SM की को लिया राइट घुमाया, अब आप क्या करेंगे एंड प्रेस्ट। सबसे बड़ा फीचर्स जो ये है, इक्विपमेंट भी गलती करने नहीं देता, अगर आप राइट नहीं घुमाएंगे तो वो प्रेस ही नहीं होगा, वो प्रेस तभी होगा जब आप उसको राइट टर्न करेंगे, अंदर वैसा सिस्टम लॉक दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा इसके बाद क्या करेंगे सामुदा, प्रेस द रिसेट बटन, इसको दबा के ही रखना है एक हाथ से और इसको भी दबाना है। सेकेंड थिंग इज द प्रेस द रिसेट बटन। अब क्या करेंगे, 2 to 8 सेकेंड
कब तक दबाएंगे? एवरेज 2 से 8 सेकेंड, अप्रॉक्स 2 to 8 सेकेंड। 8 सेकेंड से अधिक भी करिएगा तो रिसेट नहीं लेगा, और 2 सेकेंड के पहले भी छोड़ दीजिएगा तो रिसेट नहीं लेगा। तो प्राइमरी है जानकारी के लिए कि दबाइए और मन ही मन गिनती करिए, 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, 4 से 5 गिनते गिनते उसको छोड़ दीजिए, वो प्रॉपर रिसेट ले लेगा, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। 2 से 8 सेकेंड, ठीक है, हो गया। एंड रिलीज बोथ SMK और रिसेट बटन को 2 से 8 सेकेंड के बीच में दबाने के बाद रिलीज कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, टर्न लेफ्ट, चाबी को लेफ्ट घुमाना है, रिमूव फ्रॉम SMK, लेफ्ट टर्न द की एंड रिमूव। अब क्या है, जो मेरा रिसेट लिया कि नहीं लिया ये जानकारी पता चलेगी, किसमें, इंक्रीज काउंटर, 1 काउंट काउंटर, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, काउंटर में 1 काउंट इंक्रीमेंट कर जाएगा और प्रिपरेटरी रिसेट LED जल जाएगा, ग्लो एंड ग्लो प्रिपरेटरी रिसेट LED। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का LED रहता है, उसमें लिखा रहता है प्रिपरेटरी रिसेट LED, वो जल जाएगा। जब इतना हो गया मतलब आपका सिस्टम रिसेट हो गया, देन योर सिस्टम रिसेटेड, आपका सिस्टम क्या हुआ, रिसेट हो गया। अब क्या करेंगे, आफ्टर पायलटिंग फर्स्ट ट्रेन, एक ट्रेन को आप पायलट करेंगे, पायलट करने के बाद क्या होगा, सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ये हमारा रिसेटिंग का मेन फंडा था, मेन फंक्शन है, जो लगभग सबको पता है और पता रहना भी है। हाँ, बोथ साइड, ये आप एक यूनिट की बात जहाँ खड़े हैं एक यूनिट की बात कर रहे हैं ना, आपका एक सिस्टम रिसेट हुआ, दूसरा स्टेशन मास्टर को भी सेम बात करना है, ये तो कम्युनिकेशन की चीज़ है, फिर दोनों रिसेट आपका ले लेगा। नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ तो हो गया, ओवरव्यू जानकारी ले लिए, क्या है, एक्सेल काउंटर हमारे सेक्शन में लग गया, हम सो जाते हैं। अगर MC है तो आके वो खोल के झाड़ेगा, नहीं है तो नहीं झाड़ेगा, नहीं, हमारा भी छोटा छोटा कुछ मेंटेनेंस है जो रेगुलर वे में हमको करना है। क्या मेंटेनेंस करना है उस पर चलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द एक्सेल काउंटर, जो बेसिक मेंटेनेंस है उसमें हमको क्या देखना है, बेसिक मेंटेनेंस में जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द पावर सप्लाई। आप जब मेंटेनेंस में जाएंगे तो आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग देखना है वो है पावर सप्लाई। अगर आपके एक्सेल काउंटर का पावर सप्लाई प्रॉपर है तो एक तरफ से आप निश्चिंत हैं कि आपका जो आउटर पोर्शन है, आउटर पोर्शन मतलब हम इनपुट पावर दे रहे हैं उसको, उसमें कोई डिफेक्टिव नहीं है। तो पावर सप्लाई क्या है, सबसे पहला इनपुट 24 वोल्ट, इसको चेक कर, 24 वोल्ट इनपुट किसको जाएगा, ये जाता है हमारा पावर सप्लाई कार्ड को, पीएस कार्ड, इसको 5-4 अलग अलग वोल्ट में कन्वर्ट करता है, किस किस वोल्ट में, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का रेंज कितना है, 5 वोल्ट का रेंज है 4.75 to 5.25 वोल्ट। आपको मॉनिटर करना है कि आपका जो कार्ड में 5 वोल्ट है ये 4.75 से 5.25 वोल्ट है, यानी 0.5 वोल्ट का डिफरेंस। 12 वोल्ट जो है इसका भी सेम, ये भी आपका 1 वोल्ट का डिफरेंस पे चलेगा, 11.5 to 12.5 वोल्ट। इसके बाद है 15 वोल्ट ISO आइसोलेटेड, 15 वोल्ट भी सेम 1 वोल्ट का डिफरेंस देखना है, 14.5 to 15.5 वोल्ट। 9 जो 24 वोल्ट उसका है इसमें भी 1 वोल्ट का डिफरेंस देखना है, 23.5 वोल्ट to 24.5 वोल्ट। ये 4 वोल्ट क्या है, ये आपका इनपुट 24 वोल्ट से उसका पावर पार्ट आउटपुट जनरेट करता है। ये पावर सप्लाई अगर आपने देख लिया, देन योर पावर सप्लाई कार्ड इज हेल्दी, 50% मेंटेनेंस हो गया। नाउ 50% AC वोल्टेज लगाना है, मॉडम का वोल्टेज
कम्युनिकेशन के लिए आपको एसी वोल्टेज लगाना है, और एसी वोल्टेज का जो दिखने में गड़बड़ है ना, इधर एसी वोल्टेज देखना है मॉडम का, मॉडम का जो एसी वोल्टेज है ये कितना होना चाहिए, मोर देन 135 मिली वोल्ट आरएमएस, मोर देन 135 मिली वोल्ट आरएमएस। तो आपका जो मॉडम का वोल्टेज है वो 135 मिली वोल्ट से अधिक आउटपुट मॉडम का रहना, ये हमारा पावर सप्लाई का हो गया मॉडम। ये अब तीन चीज़ अगर चेक कर लिए उसके बाद अगर डिस्टरबेंस आता है तो वो कम्युनिकेशन के लिए हमारा टेलीकॉम साइड से है, सिक्स क्वाड केबल का जो हमारा मेजरमेंट रहना है, सिक्स क्वाड केबल का मेजरमेंट में इसको मिटाते हैं, सिक्स क्वाड केबल का जो मेजरमेंट है नॉर्मल मेजरमेंट जो हम लोग देखते हैं ये मोर देन 20 मेगा ओम, ऐसे सेल का स्टेटस है 10 मेगा ओम, मोर देन 10 मेगा ओम उसका इंसुलेशन वैल्यू मिलना चाहिए। अगर मोर देन 10 मेगा ओम इंसुलेशन वैल्यू है तो आपका सिक्स क्वाड केबल हेल्दी है फॉर सेल के लिए। यही मेधा में जाएंगे तो मेधा का मैनुअल बोलता है हमको मोर देन 20 मेगा ओम चाहिए, यानी और अच्छा केबल चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास छोटा सा चीज़ और है, दैट इज़ द फॉल्ट कैसे हम लोग पकड़ेंगे, मतलब जो फॉल्ट रीडिंग, फॉल्ट रीडिंग करने के लिए हमारे पास दो कार्ड हैं, जी नहीं MLB1 एंड MLB2 कार्ड हम लोग चलते हैं। अगर एक्सेल काउंटर में कुछ फॉल्ट ऑकरिंग होता है तो हम कैसे पता करेंगे फॉल्ट डिटेक्शन, इसके लिए कुछ इंडिकेशन है किसमें, MLB1 एंड MLB2 में। बार बार हम लोग कन्फ्यूज करते हैं सर ये जल रहा है वो जल रहा है, आज आप लोग को बता देते हैं इसको एकदम कन्फर्म ध्यान में रखिए, उसमें इंडिकेशन रहता है दोनों का सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों में सेम जलेगा। 8 LED रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें जो भी LED जल रहा है उसका एक वैल्यू है, क्या वैल्यू है, इक्विवेलेंट टू, एक नंबर LED जल रहा है इसका वैल्यू एक है, दो नंबर जल रहा है इसका दो है, तीन नंबर जल रहा है इसका चार है, पांच नंबर का आठ है, दस है, बीस है, और चालीस है, अस्सी है, ये 8 LED का अलग अलग वैल्यू है। जनरली अगर आपका मान लिया जाए एक नंबर एंड तीन नंबर LED जल रहा है तो एरर कोड क्या आ जाएगा, एक नंबर का एक प्लस तीन नंबर का चार, दिस इज द एरर कोड 5, कुछ नहीं करना है इसको जोड़ लेना है। तो ये LED स्टेटस है और ये वैल्यू है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये दो चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप MLB1 MLB2 कार्ड से इसका एरर कोड निकाल लेंगे, एरर कोड का एक चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट से पता कर लेंगे एरर क्या है। दूसरा चीज जो अभी रिसेट के समय बताना था हम अभी बता दे रहे हैं, भूल गए कि रिसेट लिया कि नहीं लिया। अगर आप वहां खड़े हैं इक्विपमेंट के पास, अगर आप यहां इक्विपमेंट के पास खड़े हैं तो रिसेट एक्सेप्टेड का जो इंडिकेशन आएगा, इंडिकेशन ऑफ रिसेट का जो आएगा, अगर 3F आता है, दो इंडिकेशन, एक 3F और एक 7F, 3F अगर आता है तो आपका सिस्टम रिसेट ले लिया। अब ये 3F किसको बोलेंगे, सर FF तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो हमारा जो ये दिया हुआ है इसमें अगर आपका 1, 2, 3 इधर का भी और 1, 2, 3 इधर का, यानी 2, 3 और 1, 2, 3 अगर ये ब्लिंक कर रहा है और ये दोनों खाली है नहीं जल रहा है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ 3F, यानी ऊपर का 6 LED अगर जलने लगा भूख भाग करने लगा दिस इज द 3F, और आपका स्टेटस जो है यानी लोकल DP रिसेट। और अगर 7F भी आ जाता है मतलब आपका नहीं हुआ उसका हो गया, तो 7F किसको बोलेंगे, ये 3, 3, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी ये जलेगा और ये नहीं जलेगा। तो आपका दूसरा रिमोट इंड मतलब संथालडी ले लिया रिसेट, भोजुडी अभी नहीं लिया है, और अगर दोनों रिसेट ले लेता है बोथ रिसेटेड देन ब्लैंक हो जाएगा, मतलब नो इंडिकेशन।
आठों का आठों कुछ नहीं जलेगा, नो इंडिकेशन। तो इससे पता चलेगा कि दोनों तरफ रीसेट ले लिया है, इससे पता चलेगा खाली आपका हुआ है उसका नहीं हुआ है, इससे पता चलेगा उसका हुआ है आपका नहीं हुआ है। ये रीसेट करने का आपका रीसेट सिस्टम में तरीका था। तो एरर कोड रीसेट वो इंडिकेशन है सेम उसी से है, अगर वो पीआर पिकअप हो गया तो वो पूरा रीसेट ले लिया तो वो जल जाएगा बत्ती। वो वीआर बॉक्स में एक एलईडी है छोटा सा, वो एलईडी वो इसी का इंडिकेशन से लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बोथ रीसेटेड में ये नो लाइट हो गया एंड एलईडी एलो इनसाइड द वीआर बॉक्स ग्लो। एलो एलईडी जो है वीआर बॉक्स के अंदर में अगर आपका जल गया दैट मीन्स कि वो रीसेट ले लिया है। हाँ, एक चीज़ और हम बताने वाले थे, रीड बैक सिस्टम कहाँ से लेते हैं। रीड बैक सिस्टम हम लोग लेते हैं वीआर रिले से। अगर आप वीआर रिले को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपका डाटा एलबीसीडी का डाटा लॉगर में वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि आप डाटा लॉगर को विदाउट जैसे वहाँ पे 24 वोल्ट देके आप पिकअप कराने का कोशिश कर रहे हैं लोकली बिना उससे डिस्कनेक्ट किए आप अपना सिस्टम से, तो क्या वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये इनपुट नहीं भेजा, यानी आपका सेल जो इक्विपमेंट है वो इनपुट नहीं दिया, कोई आउटपुट नहीं दिया उसके लिए वो रिले पिकअप हो रहा है। तो रीड बैक कंडीशन इस क्रॉस प्रोटेक्शन के लिए वीआर रिले के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारा आएगा इसमें एक एरर 80 मतलब ये लास्ट वाला सब बुझ जाएगा सिर्फ ये जलेगा। ये 80 बताता है कि रिमोट का फॉल्ट प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एरर 80 रिमोट डीपी डिफेक्टिव या डिस्टर्ब्ड ये बताएगा रिमोट डीपी डिस्टर्ब्ड है। इसके बाद जो सिंपल सा चीज़ है अब कि क्या नहीं करना है, क्या करना है इतना चीज़ तो हम बता दिए, क्या नहीं करना है। हम जाएँ कहा गया कि बिना नॉलेज का छेड़छाड़ करना भी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट अब चल रहा है गाड़ी का भी टाइम हो जाएगा। डोंट्स, हमको क्या नहीं करना है, क्या करना है ये तो बहुत पढ़े, क्या नहीं करना है उस बारे में सबसे पहला, अगर आप रेल में एक्सल काउंटर को लगाने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं कहीं भी रेल ज्वाइंट के पास डिटेक्शन को नहीं लगाना है। मिनिमम सेपरेशन 2.5 से 3 मीटर है, मिनिमम सेपरेशन फ्रॉम रेल ज्वाइंट टू डिटेक्शन 6 स्लीपर्स 6 स्लीपर आपको रेल ज्वाइंट से डिटेक्शन लगाने का जगह में 6 स्लीपर का मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है, पहला चीज ये है। दूसरा चीज जहां पर जिस रेल के पास आप उसका इंसर्शन करवा रहे हैं मतलब ट्रैक डिवाइस लगा रहे हैं वो रेल बर्न नहीं रहना चाहिए, मतलब वो जो वियर इंटीरियर वाला बर्न रेल है वो बर्न रेल नहीं होना चाहिए, अवॉइड बर्न रेल। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो वो 1 mm 2 mm पे भी डिफरेंस कर जाता है, 2 mm का बर्न रहेगा वहाँ पे व्हील का फेल्योर आते रहेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ जो TX RX का केबल है, TX का केबल एक पाइप में जाना है, RX का केबल एक पाइप में जाना है, सेपरेट पाइप यूज्ड फॉर TX एंड RX केबल। ठीक है, इसके बाद जो स्टैंडर्ड केबल दिया है आपको, मान लिया केबल घट गया तो नहीं लगाना है, केबल छोटा पड़ गया नहीं लगाना है, जो स्टैंडर्ड केबल दिया है ट्रैक डिवाइस के लिए वही यूज करना है, यूज ओनली स्टैंडर्ड केबल। हाँ, विथ इक्विपमेंट, एक 10 का आता है 15 का आता है जितना का मंगाइए वो उस हिसाब से स्टैंडर्ड बनाता है। अच्छा, उसके बाद कोई भी कट और ज्वाइंट, अगर TX केबल जो है हमारा डैमेज हो गया वो पूरा का पूरा रिप्लेस होना है, अवॉइड ज्वाइंट और कट ऑफ TX RX केबल।
टी एक्स आर एक्स केबल से अवॉइड करना है आपको ज्वाइंट को। अच्छा, तीसरा चीज जो है कर्व्ड रेल में अगर कहीं पे बहुत अधिक कर्वेचर है तो वहाँ पर भी डीपी ट्रैक डिवाइस को अवॉइड करना है, अवॉइड इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैक डिवाइस एट कर्व्ड रेल। और पांचवा चीज जो है कुछ भी काम करिए अपने इक्विपमेंट में आफ्टर पावर ऑफ, पावर ऑन कंडीशन में कार्ड खोलना लगाना अवॉइड करना है, नहीं करना है। डोंट रिमूव द कार्ड ड्यूरिंग पावर ऑन कंडीशन। तो इतना सारा चीज़ बेसिक आइडिया है।